अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए दाल पालक की बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी इस रेसिपी में, जिससे इस दाल का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक ले लिया है, एक प्याला पालक है, इनको अच्छी तरह से धो कर लिया है, और एक पाव चने की दाल का यूज़ कर रही हूँ। दाल और पालक जो है मैंने सेम क्वांटिटी में ही लिया है, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं पालक की क्वांटिटी। यहाँ देखें, दाल को भी मैंने अच्छी तरह से भिगो कर रखा था, पहले एक घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो दिया था, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो के इसका पानी फेंक दिया है। और यहाँ पर सिर्फ एक खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को इस रेसिपी को बनाना बता रही हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें, छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्याज लिया है, इनको दरमियान से कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदर, इनको बीच से कट लगा लिया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। और यहाँ देखें, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे से ही काट लिए हैं। और यहाँ पर देखें, स्पाइसेस में मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी मिर्चें ली हैं, 1/2 टेबल स्पून ही नमक लिया है, और 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में गरम मसाला लिया है, होममेड गरम मसाला है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर डाल के हमने जल्दी से यहाँ पर दाल को बॉईल कर लेना है। अगर तो आप इस पॉइंट पे पानी ज़्यादा डाल दें, अगर तो आप दाल पतली बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल दाल बनाऊँगी। तो चलें, यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगा रही हूँ मैं। तमाम चीज़ों को आप लोग यहाँ पर एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जल्दी से यहाँ पर प्रेशर का ढक्कन बंद करती हूँ। सिर्फ 8 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दाल और पालक जो है अच्छी तरह से 8 मिनट में गल जाएंगे। तो 8 मिनट के बाद आप लोगों को मिलती हूँ। 8 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये देखें, दाल और पालक जो है यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग टमाटर और जो हमने प्याज थोड़े मोटे मोटे से डाले थे, उनको आप लोग चाहें तो मैशर से थोड़ी सी मैश कर लें, या फिर चम्मच की हेल्प से भी आप लोग इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हल्का हल्का सा मैश करके आप लोगों ने इसे साइड पर रख देना है, और जल्दी से मज़ेदार सा तड़का रेडी करते हैं दाल के लिए। तो चलें, यहाँ पर इसे अब मैं साइड में कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, फ्लेम मैं यहाँ पर दोबारा से ऑन कर रही हूँ। तड़के के लिए मैं यहाँ पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है बटर, मेल्टेड बटर लिया है मैंने यहाँ पर 50 ग्राम। आप लोग बटर का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़ेदार पालक दाल बनेगी इससे, आप लोग उंगलियाँ चाट जाएंगे। तो बटर को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगी लहसुन। लहसुन के मैंने 7 से 8 जवे लिए हैं, देसी लहसुन का यूज़ करना है आप लोगों ने, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर होता है। तो लहसुन को हमने यहाँ पर थोड़ा सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है लहसुन को। यहाँ पर लहसुन को मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए सौते कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 खाने के चम्मच साबित जीरे का यूज़ करूँगी, साबित जीरा डाल लिया है यहाँ पर। लहसुन को हल्का ही सौते करना है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने सुरख वाली गोल मिर्चें ली हैं 5 से 6 दाने, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भी अच्छा सा हल्का सा फ्लेवर दे देना है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। लहसुन को देखें, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लहसुन को नहीं जलाया है, बस हल्का हल्का सा रेडनेस आया है इसमें। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा तड़का रेडी हो रहा है, और बटर के साथ तो ये पालक दाल बहुत ही कमाल का टेस्ट लगेगा। और यहाँ पर देखें, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ली है अच्छे से कलर के लिए, तो इसको भी यहाँ पर ऑयल में ही डाल देंगे। आप लोगों के पास कश्मीरी रेड मिर्च हो तो आप लोग उसे लाजमी यूज़ कर लीजिएगा, इससे कलर और भी ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तो चलें, तड़का यहाँ पर रेडी है, अब जल्दी से यहाँ पर तड़का लगा लेते हैं। ये देखें, मज़ेदार सा दाल में तड़का लग चुका है। चले, अब मैं दाल और पालक यहाँ पर बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है इस दाल पालक का, आप लोगों को मैं चलाकर एक दफ़ा दिखाती हूँ। ये देखें, तो चले अब मैं इसे सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल पालक की बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। आप लोग इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, दोनों चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही मज़े की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।